Pasigat Press Club. Today, Team Adisu have conducted a meeting regarding this Siang Upper Multipurpose Project Dam. तो आज Adisu ने मीटिंग भेटा है, मीटिंग में डिसीजन लिया है कि अपर मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट के बारे पहले हमको गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश ने हमको Adisu प्रेसिडेंट और GS को मीटिंग बुलाया था CMO ऑफिस में. तो उसमें हमने क्लियर कट बोला है Adisu कभी दाम यस भी नहीं बोलेगा, नो भी नहीं बोलेगा. आप लोग गवर्नमेंट अगर बनाना है तो भी बस्ती में जा, एवरी बस्ती में जाके आप लोग अवार्डनेस देना है, डिमेरिट मेरिट को बताना है. तो और रिगार्डिंग दिस PFR ऑल्सो आई हैव सेड द गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश हम कभी यस भी नहीं बोलेगा. आप लोग जाके बस्ती बस्ती में जाके आप लोग अच्छा से पब्लिक को बात करो. तो अभी हमने देख रहा है गवर्नमेंट ने कभी बस्ती में जाके बात करने का नहीं कोशिश नहीं कर रहा है. और हमने बोला था कि एवरी आदि MLS रिप्रेजेंटेटिव लोग को एवरी बस्ती में जाके अच्छा से बात करके सॉल्यूशन में लाने के लिए बोला है. तो अभी हम देख रहे हैं हम लोग को आदि MLA कोई भी बस्ती में नहीं जा रहा है. और ये अभी देखिए अपर सियांग एंड सियांग DC ने आप लोग भी देखा होगा उस दिन जो गवर्नमेंट सर्विस मैन लोग जो प्रोटेस्ट जाने वाला लोग को नोटिस भेजता है, सोकस नोटिस भेजता है. तो उसमें भी हमने बोला है DC साहब लोग को ऐसा मत करो, अपना राइट को अपना ज़मीन के लिए जो अभी सर्विस में होने से भी अपना ज़मीन के लिए तो अपना लाइफ के लिए तो प्रोटेस्ट तो करना पड़ेगा. आज हम आप लोग को बुलाया है कि अभी हम भी Adisu भी आज मीटिंग करके बहुत दुख लगा है जो अभी गवर्नमेंट NSPC और गवर्नमेंट का जो एक्टिविटीज़ कर रहा है दे आर डिप्राइविंग द पब्लिक. वो पब्लिक को वो लोग अच्छा से जाके कभी बात नहीं किया. हम देख रहे हैं अभी देखिए अभी देखा है तो कोई भी नहीं जा रहा है और पब्लिक को उल्टा वो लोग अभी परेशान कर रहा है. सो टीम Adisu इज नॉट हैप्पी विद द एक्टिविटीज ऑफ दिस गवर्नमेंट. सो अभी आज हम लोग ने मीटिंग में डिसीजन लिया है कि अभी Adisu ने बस्ती बस्ती जाके कंसल्टेटिव मीटिंग करेगा बस्ती वाला लोग को. आप लोग पर के बारे और ये डैम के बारे आप लोग क्या सोचता है? अगर वो लोग नो बोलने से हम लोग रिपोर्ट को गवर्नमेंट को दे देगा और हम लोग भी उसमें अगेंस्ट एंटी में बात करना शुरू हो जाएगा. ऐसे है कोई दूसरा ऑर्गेनाइजेशन क्या बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा है हम उसको नहीं बोलेंगे. वी Adisu हैव ऑन स्टैंड, हम लोग ऑन ग्राउंड रियलिटी के साथ Adisu का खुद बस्ती में जाके कंसल्टेटिव मीटिंग करेंगे. देन ओनली वी विल हैव ए प्रूफ ऑल्सो. तो हम लोग बस्ती नहीं जाएगा, दूसरा लोग ऐसा बोल रहे हैं बोल के हम लोग नहीं बोल सकेगा. तो हम लोग का Adisu का स्टैंड भी क्लियर तब होगा कि हाँ यस पब्लिक लोग नहीं मान रहे, तब हम लोग गवर्नमेंट को भी बोलेगा नहीं पब्लिक नहीं मान रहा है तो हम लोग भी तो नहीं मानेगा. जब गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल मीटिंग बुलाया था तब ABK भी आया था, हम भी आया था, ऑल द अपर सियांग JPC सियांग JPC और PRI मेंबर लोग भी आया था. तो उसमें भी हमने क्लियर कट बोला है गवर्नमेंट को, ABK जो बोलता है वो तो उलू का है. हम लोग एक साथ मीटिंग पार्टिसिपेट किया था और तब भी हम क्लियर कट बोला है आप लोग जाके बात कीजिए बस्ती वाला लोग को. जब लैंड ओनर यस नहीं बोलेगा हम लोग कैसे बोलेगा यस बोल के, वो तो बहुत गलत हो जाएगा. तो बस्ती वाला लैंड ओनर जब यस बोलेगा तभी हम लोग मान सकते हैं. दैट्स डिपेंड ऑन द लैंड ओनर. आप लोग ये देखिए ये दिबांग मल्टीपर्पज का प्रोजेक्ट का भी हम तो लिखा नहीं है, वो लोग का लिखा हुआ है. अगर वो दिबांग मल्टीपर्पज टूट जाएगा तो हम लोग को डायरेक्ट पासीघाट भी उड़ जाता है. तो फ्यूचर कॉन्सिक्वेंसी के लिए भी हम लोग को ऑल आदि MLAs लोग बात करना है, एड्रेस करना है पब्लिक को. तब पब्लिक मानता है तब तो उपाय नहीं है, नहीं मानता है तो नहीं मानता है.